नमस्कार, मैं हूं अंजी डोगरा। हिंदुस्तान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। अब आज के कुछ मुख्य समाचार। भव्य सत्संग कार्यक्रम का आयोजन राठ में जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के अध्यक्ष पंकज जी महाराज इस समय अपनी 40 दिवसीय बुंदेलखंड जन जागरण यात्रा के साथ विभिन्न स्थानों पर सत्संग कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी क्रम में कल सायंकाल जब ग्राम करौंदी पधारे तो मार्ग अमगांव व करौंदी ग्रामों के हजारों नर नारियों बाल वृद्धों ने कतारबद्ध होकर पुष्प वर्षा व दीप प्रज्वलित कर कलश बैंड बाजों से भव्य स्वागत किया। गत दो दिनों से वर्षा से प्रभावित मौसम के बावजूद यहां आयोजित सत्संग समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। यहां प्रवचन करते हुए संत पंकज जी महाराज ने अपने मानव जीवन के महत्व, गुरु की महिमा, चरित उत्थान, शाकाहार, सदाचार, सामाजिक आदि विषयों पर प्रेरक संदेश सुनाया। उन्होंने कहा, जब हम पैदा हुए तो कोई जाति, बिरादरी, मजहब लेकर नहीं आए। बाद में मन, चित, बुद्धि रूपी जो औजार परमात्मा ने बख्शे, उससे हमने रिश्ते बना लिए, जमीन जायदाद बना लिए, इसे अपना मानकर यहाँ बैठ गए। लेकिन जब यहाँ से जाने का वक्त आया तो आपके साथ ना जमीन जायदाद, धन दौलत कुछ भी नहीं गया। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही भेज दिया गया। मानव जीवन सफल बनाओ, यही सबसे बड़ा मानव धर्म है। बाबा जय गुरुदेव के उत्तराधिकारी ने कहा, हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाज लगाई, ए इंसानो, तुम अपने दीन ईमान पर वापस आ जाओ, उस खुदा की इबादत करो, भगवान की पूजा करो, अपनी गुनाहों की माफी मांगने का वक्त है, अपनी जीवात्मा को नरक में जाने से बचाओ। उन्होंने कहा, कलयुग में प्रभु प्राप्ति की सरल से सरल साधना नाम योग है। बच्चों में अच्छे संस्कार डालने की बात भी कही। इस अवसर पर शंकरलाल विश्वकर्मा प्रभारी संकद हमीरपुर, वीरपाल सिंह ग्राम प्रधान, अशोक पालीवाल प्रबंधक विद्यालय अमगांव, नंदराम राजपूत, मुन्नालाल विश्वकर्मा, अनिल पालीवाल, देवकी नंदन कुशवाहा, राम स्वरूप राजपूत, राजाराम गया प्रसाद यादव आदि उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने सत्संग वचनों का पान किया। सत्संग के बाद यात्रा अपने अगले पड़ाव पचकुरा तहसील सरीला जिला हमीरपुर के लिए प्रस्थान कर गई। रिपोर्ट संदीप पाटिल। 3 बजे से 6 बजे तक उस समय आप भजन किया करो, शब्द आपको साफ सुनाई पड़ेगा। नित्य नियम से भजन ध्यान स्मरण करिएगा, नागा नहीं होना चाहिए। शरीर को आप लोग भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम खाते रहते, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया, ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से भूखी प्यासी बैठी, कभी आपने इसको भोजन नहीं दिया। अरे इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बना लो कि पहले हम अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपने बना लिया तो आपका लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, भजन ध्यान सुमरन बराबर आप लोग करते रहिएगा। घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, जात और बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है, साधु सन्यासी बाबा बनने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, अपने अपने घर परिवार में रहिएगा, बाल बच्चों के साथ रहिए, मेहनत ईमानदारी से काम करिएगा और 24 घंटे में घंटा दो घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन ध्यान भजन करिएगा। ये जीवन की सच्ची दौलत है, यही दौलत तुम्हारे साथ जाएगी, बाकी सब रगड़ा झगड़ा ये सब आपका।